Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss how to take care of a cesarean scar. आजकल जो elective cesareans हैं and emergency cesareans बहुत common हैं. Hospital stay after surgeries बहुत कम है, hospitals का stay कम है और patients को जल्दी घर discharge कर दिया जाता है. आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने operation वाले अपने जख्म की किस तरह से हिफाजत करनी है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सफाई का ख़ास ख्याल रखें. अपने ज़ख़म के इर्द गिर्द जो बाल हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए. क्लीन इट विद द रेज़र्स. सेकेंडली आपने ज़ख़म को हवा लगवानी है. हवा इस तरह से लगवानी है कि जो आपने अपनी बैली है उसको हाथों से पुश कर लिया करें ऊपर और फिर ज़ख़म को जो है वो हवा लगवाएं. हवा एक बहुत बेहतर है ऐसे ज़ख़म्स के लिए जो कि आम तौर पे जैसे फैट लेडीज़ हैं, ओबीज़ लेडीज़ हैं, उनमें ज़ख़म ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो हवा लगने से वो बेहतर हो जाते हैं. थर्ड, यूज़ ऑफ पायोडीन एंड स्पिरिट. ज़ख़म को पायोडीन या स्पिरिट से साफ रखें. इसके अलावा यह है कि 10वें या 14वें दिन तक आम तौर पर स्टिचेस आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी इन बातों को फॉलो करें. इसके अलावा लेडीज़, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि ऑपरेशन हो गया, अब बच्चा भी हो गया है, तो हम क्या खुराक खाएं. आपको कुछ भी मना नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, बट स्पेशली मीट, कलेजी, गोश्त जो है वो चाहे किसी भी फॉर्म में, जो अगर आपको पसंद है, छोटा गोश्त है, बड़ा है, मटन, बीफ, फिश, वन एग डेली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये ज़ख़म को ख़राब नहीं होने देता. आजकल जैसे सावन का महीना है, ज़ख़म बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो डियर लेडीज़ ट्राई कि आप अपने वूंड की केयर करें. इफ़ देयर इज़ अ पसी डिस्चार्ज फ्रॉम द वूंड, आप फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करें अपने गायनाकोलॉजिस्ट को. मेरे ज़ख्म में से पीप आ रही है, ताकि उस पीप को कल्चर के लिए भिजवाया जाए और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो एंटीबायोटिक स्टार्ट हो. कुछ चीज़ें आपने आफ्टर सिजेरियन नहीं करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेयर्स को अप डाउन नहीं करना, बहुत सीढ़ियाँ नहीं उतरनी चढ़नी, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज या स्वीट जिम जो है वो जिस तरह एक्सरसाइजेस करते हैं वो अभी फ़िलहाल ना करें टिल 6 वीक्स तक, जब तक कि आपकी बॉडी वापस अपनी जगह पे ना आ जाए. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.